उपनगर नीमच सिटी के वार्ड नंबर 1 रावण रुंडी मगरा चौथ खेड़ा मार्ग पर नाले पर निर्माण को लेकर नगर पालिका ने बीते कल गुरुवार को वार्ड वासियों के कच्चे और पक्के मकान सहित निर्माणाधीन मकानों को तोड़कर मौके से अतिक्रमण हटाया था, जिसके विरोध में शुक्रवार को बड़ी संख्या में वार्ड वासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार मनोहर वर्मा को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि 2 मार्च गुरुवार को वार्ड क्रमांक 1 रावण रुंडी मगरा चौथ खेड़ा नीमच सिटी रोड पर नगर पालिका द्वारा मौके पर पहुंचकर नाला निर्माण की बात कहते हुए 2 पक्के मकान और अन्य निर्माणाधीन मकानों को तोड़ दिया गया और अन्य मकान मालिकों को 2 दिन का अल्टीमेटम देकर मकान तोड़ने की चेतावनी दी गई। नगर पालिका द्वारा जो मकान तोड़े गए हैं वह सभी गरीब और मजदूर वर्ग के होकर मेहनत मजदूरी कर अपना गुजर बसर करते हैं और उक्त भूमि पर विगत 10 वर्षों से मकान बनाकर काबिज है। इसके अतिरिक्त उनके पास रहने के लिए और कोई जगह भी नहीं है जहाँ वह निवास कर सके। ज्ञापन में वार्ड वासियों ने मांग की है कि नगर पालिका द्वारा तोड़े गए मकान मालिकों को मुआवजा राशि दी जाए, साथ ही बचे हुए मकानों को ना तोड़ते हुए सभी मकान मालिकों को पट्टे दिए जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस नेता उमराव सिंह गुर्जर, कांग्रेस पार्षद योगेश प्रजापति सहित बड़ी संख्या में पीड़ित वार्डवासी मौजूद रहे। मैं तो थी नहीं सर, मैं तो दान की गई थी गेहूँ काटने, पीछे से आया थे नगर पालिका की गाड़ी, पीछे से तोड़ फोड़ कर गए, आगे का तोड़ गए, पीछे का तोड़ गए और लाइट का मीटर खोल के ले गए मेरे को। अब अंधेरे में मैं बच्चों को कल से खाना ही नहीं खाया, हमने अब कैसे बना के खाएं उसको। अब हमने तो देखा ही नहीं, मैं तो दान के करने गई थी। हाँ गाड़ी आई थी ना, नगर पालिका की गाड़ी आई थी। ये रावण रुंडी चौथखेड़ा रोड से आए हुए नागरिक हैं, गरीब व्यक्ति हैं, छोटे छोटे बच्चे इनके, तो नगर पालिका ने अवैध तरीके से इनके मकान को धराशायी कर दिए, बिना सूचना दिए और मकानों को तोड़ दिए हैं और बोल रहे हैं कि नाले की जमीन है। बल्कि वो नाले की जमीन नहीं है, वो तो वहाँ से गड्ढा खोद के मटेरियल शासन खुद ही ले गया, रोड बनाया है। बाकी वो जमीन है जो घाटी पर है, वहाँ कोई नाले का पानी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। ये खाली ढकोसले हैं नगर पालिका के शासन के यहाँ पे नाला है। बाकी गरीब लोगों के मकान तोड़ने हैं, बेचारे छोटे छोटे गरीब लोग, छोटे छोटे बच्चे इनके सड़क पे आ गए हैं लोग। बिल्कुल इन्होंने एक एक पैसा जोड़ जोड़ के जो मकान बनाए थे उन मकानों को धराशायी कर दिए इन्होंने। कब की घटना है, कितने मकान तोड़े गए? ये कल की घटना है और कम से कम 2 मकान पूरे तोड़ दिए हैं और कम से कम 10 मकान जो बनने वाले थे उनको भी तोड़ दिया है और 4-5 कुछ 5-10 और लोग थे उनको अल्टीमेटम देके गए हैं कि 2 दिन के अंदर खाली कर देना वरना तुम्हारा भी तोड़ देंगे मकान। अभी जो ज्ञापन दिया उसमें क्या मांग करी है? इस ज्ञापन में मांग करी हमने कि हमको उचित जगह पर, मतलब वहीं पर पट्टा दिया जाए और हमको शासन की सुविधाओं का लाभ मिले और हमारे मकान तोड़े ना जाए। अधिकारी क्या बोल रहे हैं उसमें? अधिकारी बोल रहे हैं कि वो नाले की जमीन है और यहाँ पे नहीं मिलेगा पट्टा। दूसरी जगह कहीं स्थानांतरण कर रहे हैं? हाँ वो बोल रहे हैं कि यहाँ तो नहीं मिलेगा, आवेदन करो कलेक्टर ऑफिस में तो तुमको दूसरी जगह जहाँ भी होगी प्रस्तावित जमीन वहाँ देंगे। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।